पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर हत्या के मामले को लेकर देश भर में डॉक्टर व आमजन विरोध प्रदर्शन कर इस मामले में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर थार नगरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर डॉक्टरों व प्रोफेसर ने बाजू पर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 17 अगस्त से जिला अस्पताल को बंद कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर हत्या की साजिश के बाद हत्या के मामले में बंगाल सरकार बहरी होकर बैठी है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इस मांग को लेकर काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारी मांग है कि रेजिडेंट डॉक्टर को जब तक सुरक्षा व न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जस्टिस, हमारी बहन को न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आरजी आर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऑन ड्यूटी पीजी रेजिडेंट के साथ बहुत ही ब्रूटल रेप और उसके बाद मर्डर कर दिया गया और उसके बाद उस इंसिडेंट को छिपाने के लिए उनके पेरेंट्स को सुसाइड का नाम दे करके उन्हें 3 घंटे पहले वेट कराया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, जब ये मामला आगे आया तब जा करके उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके बाद उनके फेस पर मल्टीपल स्क्रैचेस, आंखों से, विजाइना से, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। इवन उनके जो लेग्स थे वो 90 डिग्री के एंगल पर थे, विच कांट हैपन जब तक कि पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर नहीं कर दिया जाए। तो उस पूरे इंसिडेंट के अंदर डेफिनेटली एक इंसान से ज़्यादा थे। उनके बॉडी से 150 ml हमें सीमन भी मिला है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। इट वॉज अ गैंग रेप एंड देन ब्रूटली मर्डर एंड शी वॉज टॉर्चर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को छिपाने की कोशिश कर रही है और हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले और जब तक इस चीज़ का मतलब पूरा वो नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये जो हड़ताल है चलती रहेगी और इसीलिए पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनके समर्थन में हैं। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी वॉन्ट जस्टिस फॉर हर। वहाँ की पुलिस का क्या कहना है? वहाँ की पुलिस प्रशासन जो अभी वहाँ के जो सस्पेक्ट हैं संजय रॉय जिन्हें अरेस्ट किया गया है वो वहाँ के बिल्डिंग से फ्राइडे को निकलते हुए पाए गए थे और वहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जिससे उनका मोबाइल फ़ोन जब उन्हें पकड़ा गया क्योंकि वो थोड़ा सा संदिग्ध मिल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो उससे वो मतलब कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ डिवाइस। पर बात यह है कि वो इंसान खुद एक सिविल वॉलंटियर है कलकत्ता पुलिस की, तो उन्हें कभी भी हॉस्पिटल में आने जाने की परमिशन थी और सबसे बड़ी बात वो इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद में पुलिस प्रशासन का जो शेल्टर होता है वहीं पर जाकर के वो इंसान मारा जाता कि सो गया। बिकॉज लॉ की तो हमारे देश में कोई वैल्यू ही नहीं बची है। क्रिमिनल्स इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद ये जानते हैं कि न्याय तो मिलेगा नहीं और उसके बाद अगर मिलेगा तो इस चीज़ में कई साल लग जाएंगे। तो वो इंसान इस तरह की घटिया हरकत करने के बाद सो गया और इसलिए फिलहाल ये जो हाईकोर्ट है वहाँ के हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और सबसे बड़ी बात सीबीआई के वहाँ पर आने से पहले ही पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 हज़ार की संख्या में मॉब आकर के इकट्ठी हो गई और उसने वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस थे उनको टेम्पर करने के लिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ कर दी। डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया और इसलिए वेस्ट बंगाल की पुलिस के फिलहाल कोई उम्मीदें बची नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिससे कि इस पूरे मामला की जल्द से जल्द जांच हो और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको पनिशमेंट मिले, इवन उनको तो फांसी दे देनी चाहिए। आवाज और बुलंद हो उसके लिए आगे का क्या कर देगा? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उस पूरी प्रशासन मतलब इस पूरी मामले की जांच नहीं हो जाती और जब तक कि आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक अनिश्चितकालीन तौर पर हड़ताल चलती रहेगी। पहले हम लोगों ने नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया था बट अब इमरजेंसी सर्विसेज। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।